गाइस, स्वागत है आपके रिद्धिमा के चैनल में। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए झटपट बनने वाली रेसिपी जो है आलू से। अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आप देखोगे मंडी में छोटे छोटे आलू आने शुरू हो गए, जिससे आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो झटपट बन जाती है, जो बच्चों को शाम को 4-5 बजे जो भूख लगती है और वो अनहेल्दी चीज़ों की तरफ खाने के लिए भागते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए आप इसको घर में ही बना सकते हैं। झटपट बन जाती है, इसमें कोई झंझट नहीं, बहुत थोड़े सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या क्या सामान लगता है और ये कैसे बनती है। छोटा जो आलू आजकल आप देखोगे सर्दी के मौसम में आता है, ये नया आलू है, ये छोटा छोटा बस इसी साइज के हमने आलू लेने हैं और इनको अच्छे से धोकर हमें 2 से 3 सीटी लगाकर इनको उबालना है। उबालने के बाद इनको कम से कम 4 से 5 घंटे तक हमको ठंडा करके रखना है। और इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मसाला जो इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू को बनाते समय। तो देखते हो मसाला कैसे बनता है। हमने मसाला बनाने के लिए लेना है 4-5 ये लाल सूखी मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच जीरा है और ये कम से कम 15-20 काली मिर्च होगी। इसको हम हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे। तो मैं आपको भून के और पीस के दिखाती हूँ कितना दरदरा पीसना है। इसको हम भून लेंगे हल्की सी, तब इसको तो खुशबू आने लग जाएगी बस तभी तक। उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये मैंने मसाला पीस दिया, देखिए इतना दरदरा करना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसके बाद जो मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे ये वाले, इनको इनका हमने छिलका नहीं निकाला, ये नया आलू है, ये बिना छिलके के भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो एक एक आलू लेना है और इसको धू दबाना बस, और हिम्मत से जाना है, एक एक आलू लो और इसको दोनों हथेली के बीच में रख के ऐसे दबाना बस, ज्यादा जोर से नहीं दबाना नहीं तो हलवा बन जाएगा। ऐसे बस ऐसे दबा दबा के ये ऐसे करके सारे आलू को ऐसे कर देंगे। ये देखिए बस ये दोनों हथेली के बीच में हल्का सा दबाना है इसको, ज्यादा नहीं। और आलू ना इसके लिए छोटा ही लेना, बड़ा आलू मत लेना, जितना छोटा होगा उतना अच्छा बनेगा इसमें। ये देखिए बस ऐसे कर। और इसके बाद ये मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्का सा नमक डालूंगी। ये जो मैंने मसाला पीसा हुआ है उसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छा से हम मिला लेंगे। अगर आपको चावल का आटा नहीं मिले तो आप आरारोट भी डाल सकते हैं, और नमक और मिर्च इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसके लिए चटनी बनानी इसको खाने के लिए, तो नमक मिर्च कम ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना। ये अच्छे से अब इसके बाद हम, मैंने ये तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हमने एक एक आलू लेना है और उसमें चावल का आटा लगाना है अच्छे से, इसको अच्छे से ऐसे लगाएंगे और ऐसे करके गरम तेल में डालते जाएंगे। बस तेल बहुत गरम होना चाहिए, एकदम ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। चावल का आटा लगाने से एकदम ये कुरकुरे बन जाएंगे एकदम से। हमें इसके लिए पानी वाली डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आलू हमारा गीला ही है, पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आलू है वो गीला ही है और इसमें जो हमारा चावल का आटा है वो आराम से चिपका है। ऐसे करके ऐसे करके हम इसलिए डालते जाएंगे। इसको अच्छे से हमें लाल हो जाएगा जब तक ये एकदम गोल्डन ब्राउन, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फ्राई करना है। मैंने फ्राई करके निकाल दिया, चलो अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। बहुत गर्म हो रहा है, और इसके ऊपर जो ये मसाला बनाया है हमने वो डालेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस और साथ में ये धनिया पुदीने की हरी चटनी। तो देखिए रेसिपी बनके तैयार है, बहुत झटपट बन जाती है, कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, और आप शाम की चाय के साथ खाने के लिए आप इसको बना सकते हैं और आप बड़े मज़े से इसको खा भी सकते हैं। और आप, आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।